हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने नेटपॉट में ये फेनुग्रीक के सीड्स हैं, ठीक है, मेथी कहते हैं हम इसको, तो इसको जर्मिनेट करने के लिए नेटपॉट में डालना है। तो ये हमारे हाथ में 2 इंचेस का नेट पॉट्स है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने कोकोपीट को वॉश किया है, ठीक है, और इसको इसकी जो TDS वैल्यू है, EC वैल्यू हमने लो करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपका जो कोकोपीट है इतना मतलब कि गीला होना चाहिए कि इसमें से ये पानी निकल रहा है निचोड़ने से। तो हम क्या करेंगे, इस कोकोपीट को अच्छी तरह से नेटपॉट में फिल करेंगे, हाफ से ज़्यादा। तो एक मिनट हम आपको दिखाने वाले हैं ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिंग बनी हुई है, इसे हमने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर कोकोपीट, ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रेस करके, बहुत ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है और सॉफ्ट भी नहीं रखना है कि यहाँ से ये वॉश आउट हो जाए। तो प्रेस करके मैंने भर दिया। अब इसमें से हमने 3 to 4 सीड्स, ठीक है, खिला देने हैं, ऐसे डाल देने हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। ये मैंने डाल दी है, ठीक है, ऐसे ऐसे सीड्स डाल देने हैं। अब इन सीड्स को कवर करने के लिए अगेन कोकोपीट यूज़ करना है हमने। यहाँ पर ऐसे प्रेस कर देना है इसको, कोकोपीट को, ठीक है, और पूरा कप जो है हमारी कोकोपीट से फिल हो गया है ऐसे, ठीक है। और इसको हमने क्या करना है, ऐसे कपड़े से उठा के इसे साफ कर लेना है। ये हमारा जो है नेट पॉट सेट के साथ तैयार हो गया है। इसको हम ट्रे में रखना है अभी। तो इसी तरह से हमने जो भी हमारे कप हैं हमने फिल कर लेने हैं, सीड ऊपर से डाल देना है, सीड को कवर करना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए जर्मिनेशन के लिए तैयार हो गया है। तो अगला जो प्रोसेस होगा हमारा, वो क्या होगा कि हमने सभी कप को, ठीक है, ऐसे फिल करने के बाद ट्रे में रखेंगे। ट्रे में रखने के बाद किसी कॉटन के कपड़े से, जो कि पहले से गीला किया होगा, उससे हम इसको कवर कर देंगे, कहीं शेड वाली जगह पे डाल देंगे जहाँ पे धूप ना आती हो, ठीक है। क्योंकि अगर धूप ज़्यादा आएगी तो ये कोकोपीट सूख जाएगी, हमारे बीज जो हैं, हमारे सीड्स जो हैं, वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम सारे कप को रेडी करते हैं ऐसे, ठीक है, प्रेस करके डालना है इसको, ठीक है, नहीं तो ये कोकोपीट आपका नेट पॉट से निकल सकता है। अभी हमारे कप जो है सभी रेडी हो गए हैं। तो इनको हमने क्या करना है, एक कॉटन के कपड़े से ऐसे के जो गीला किया मैंने कवर कर देना है, ठीक है, और इसको हमने शेड वाली जगह पे रख देना है, ठीक है।